की राजधानी की कानून व्यवस्था देखिए, कैसे खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। इन बदमाशों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। जरा देखिए इन राहगीरों को किस तरह लात मारकर और रिवॉल्वर लगाकर धमकी दी जा रही है कि पुलिस को कुछ नहीं बोलना वरना गोली मार दी जाएगी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने में कितनी कामयाब रही है। यह है उत्तर पूर्वी जिले के थाना भजनपुरा इलाके की 20 नंबर गली सुभाष मोहल्ला। ये बदमाश हथियारों की नोक पर इस मकान पर कब्जा करने आए थे। सरेआम पूरे इलाके में इन बदमाशों ने दहशत फैला दी। पुलिस FIR के अनुसार इकबाल इस मकान के पास हाथों में हथियार लेकर खड़ा था। शिकायतकर्ता का कहना है कि शौकत और इकबाल उसे गली में ले आए जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिसमें उनके आदमी पिस्तौल लिए खड़े थे। वो जैसे ही इकबाल से बात करने के लिए आगे बढ़ा तभी इन बदमाशों ने उस पर गोलियां चलाई। लोगों में दहशत इतनी ज्यादा है कि इन बदमाशों के खिलाफ खुलकर बोलने से भी डर रहे हैं। घर से आए, 1:30 का टाइम हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे 4-5 बंदे आए, उन्होंने पहले ताला तोड़ा, फिर ताला तोड़ने के बाद गोली चलाने लग गए। अच्छा, जो थे यहाँ पे, फिर घर के जो पब्लिक आई थी जी, उनका हाथापाई शुरू कर दी उन्होंने। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है जी, कह रहे मकान हमारा है, इस पर कब्जा कर रखा है, ऐसे ऐसे बात थी। तो उसके ऊपर मारपीट उन्होंने शुरू करी यहाँ के पब्लिक के साथ। पब्लिक को गोली वोली चला के बंदूक दिखा के इन लोगों ने दहशत में। मामला भले ही मकान को लेकर झगड़े का हो, पर इस तरह खुलेआम हथियार लहराना कहां तक जायज है, ये दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पर जांच कितनी सही होगी वो इस बात से साफ है कि बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है। दिल्ली दर्पण के लिए चौधरी हैदर अली की रिपोर्ट।